जिला माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग ने किया एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में मैथिली से जुड़े कई हिस्सों से आए लोगों ने किया शिरकत। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के द्वारा बहुउद्देशीय प्रशाल में मैथिली विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मैथिली महाकाव्य परंपरा और विकास, मैथिली शोध साहित्य परिषद विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सेमिनार में प्रदेश के अन्य जगहों से भी मैथिली से जुड़े लोगों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। मैथिली विषय पर एक दिवसीय सेमिनार में सभी वक्ताओं ने कई विषयों को लेकर अपनी वार्ता रखते हुए मिथिलांचल और मैथिली परंपरा को लोगों के पीछे साझा किया गया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। दो भाग में बटने से एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। मैथिली साहित्य गुहा में या दोनों साहित्य गुहा में महाकाव्य और खंड काव्य एहन है जर प्रारंभ भगवती वंदना से कैल जाए, अर्थात भगवानक नाम लग लोग अपन जो कवि से अपन कार्य प्रारंभ करे। एकावली परिणय में भक्ति भाव प्रदर्शित करे बद्रीनाथ का, वो कहे जो जाना ही भावक स्वामी कोई संस्कृत का व्यक्ति कोई तो करे समाधान भाषा को करी नमान। प्रार्थना में कहे राधा पद पंकज नियम प्रतिबिंबित किनकर अलग अंग से विघ्न हर चिंतावे आ